हैं जो अभी यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, सभी यहाँ के घूम रहे हैं। तो गाइस जहाँ पे सुकून है वहाँ तो फेस पे स्माइल ऐसे ही आ जाती है, तो आप भी यहाँ आए और इस प्यारे से प्लेस का, प्यारे से पार्क का लुत्फ उठाए। यहाँ आप सामने फुब्बारे को देख पा रहे हो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो गाइस, मैं आपको आज एक प्यारे से पार्क में लेके आई हूँ जिसका नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और इस पार्क के बारे में आपको बताते हैं। यह पार्क उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला में स्थित है और यह अभी नया पार्क है और सबसे बड़ा पार्क है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक भी पार्क नहीं है, ये पहला ही पार्क है, इसलिए ये अभी यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है। तो यहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। वैसे गाइज हम यहाँ संडे के टाइम में आए हुए हैं, शाम के 4 बज रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि संडे का समय है पर भीड़ नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ अभी लाइटिंग का और फुब्बारे का कुछ काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपको भीड़ कम देखने को मिल रही होंगी। तो आसपास झूले भी आप देख पा रहे होंगे। देखिए एक भैया है जो वही काम कर रहे हैं फुब्बारे का, तो इसी की वजह से अभी भीड़ कम है। शाम तक भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि आज संडे है, तो संडे में तो ऐसे ही सबकी छुट्टी रहती है, बच्चों की और बड़ों की, ऑफिस की, सबकी छुट्टी रहती है, तो भीड़ शाम तक बढ़ जाएंगी। तो आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं, यहाँ दिखाते प्यारा सा कुटिया आपको देखने को मिल रहा है। बैठने की भी अच्छी व्यवस्था की हुई है, चेयर वगैरह आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको कूड़ेदान की व्यवस्था भी की हुई है, तो आप यहाँ कूड़ेदान की व्यवस्था को देख के समझ पा रहे हो कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गंदगी आपको नहीं देखने को मिलेगी, साफ सुथरा प्लेस है पूरा। और यहाँ पे आपको सामने में देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक बड़ा सा तालाब है जिसे सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने सेल्फी भी बहुत ली है, आप भी यहाँ आए और यहाँ पे फोटो सेल्फी वगैरह ले। आसपास आपको बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ बीच में आपको पत्थर से बने कुछ ऊंचे आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे हम थोड़ा और आपको ले चलते हैं। ये कितना प्यारा सा बना हुआ है कुछ पत्थर का। पेड़ पौधे बहुत है यहाँ, तो नेचर का यहाँ पे खास व्यवस्था किया हुआ है। देखिए कुछ कुछ बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ है, नारियल के पेड़, बांस के पेड़ आपको काफी देखने को यहाँ मिल जाएंगे। बैठने की भी व्यवस्था की हुई है, आसपास का माहौल भी काफी अच्छा दिख रहा है, शांत अभी लग रहा है, तो मुझे तो ये प्लेस बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ दीवार पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग की हुई है, खासकर जो यहाँ आपको व्हेल दिख रहे हैं, फिश दिखेंगे, बहुत ही प्यारे से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है दीवारों पर। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे हमारे फ्रेंड जो है
वो हमें गाइड कर रहे हैं, हम दो ही लोग आए हुए हैं तो वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे शूट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दीवार पे कितने प्यारे प्यारे फिश के फिश को ड्रॉ किया हुआ है, जो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, खासकर बच्चों को तो काफ़ी अच्छा लगने ही वाला है। तो एक प्यारी सी खुशी के साथ, प्यारी सी स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जहाँ पे सुकून है वहाँ तो फेस पे स्माइल ऐसे ही आ जाती है, तो आप भी यहाँ आए और इस प्यारे से प्लेस का, प्यारे से पार्क का लुत्फ उठाए। यहाँ आप सामने फुब्बारे को देख पा रहे होंगे और सनराइज का यहाँ पे आप लुत्फ उठा सकते हैं आकर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसी का काम अभी चल रहा है जिसकी वजह से भीड़ आपको अभी कम देखने को मिल रही है, नहीं तो भीड़ संडे को ऐसे तो रहती ही है। तो थोड़ा और आगे ले चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस कि कुछ कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, सभी यहाँ के घूम रहे हैं। पत्थरों से बहुत प्यारा प्यारा डिजाइन किया हुआ है। यहाँ इस पार्क का कोई भी कॉस्ट नहीं लगा है, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे कुछ कॉस्ट लगे, लेकिन अभी फ्री है तो आप यहाँ के घूम सकते हैं। यहाँ की तमाम वीडियोस फोटोज देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे देंगे और आप उसमें जाके देख सकते हैं हमारे छोटे छोटे रील्स वीडियो फोटो, यहाँ पे हमने जो भी बनाए हैं वो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा कुआं के टाइप का कुछ बना हुआ सा यहाँ दिख रहा है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और गाइस आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुत ही प्यारा सा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, पे यहाँ का नज़ारा आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइस यहाँ पे झूले आप देख पा रहे होंगे जो बच्चों को तो काफ़ी मनमोहक लग रहा है, और यहाँ पे आप बच्चों के साथ आ सकते हैं, फैमिली मेम्बर फ्रेंड सबके साथ आ सकते हैं। तो गाइस हमारे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।